अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कुक विद स्माइल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और आज की रेसिपी है पालक और दाल की रेसिपी। बहुत ही सिंपल एंड क्विक रेसिपी है, लेकिन आप लोग एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। आपको चावल के साथ ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी को मैं मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ। इसमें मैंने सबसे पहले पालक लिया है। ये मैंने हाफ के जी पालक था, इसको बारीक मैंने काट लिया है और इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें डालेंगे मूंग और मसूर, दोनों मिला के मैं दाल डाल रही हूँ। ये हाफ हाफ कप दोनों दालें थी, इनको मैंने धो के भिगो दिया था। अब इसका पानी निकाल के इसको इसमें शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर जाएगी साबुत मिर्चें। ये मैं 8 से 10 साबुत मिर्चें डाल रही हूँ इसमें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन, 2 लहसुन के जवे लेके मैंने उनको इस तरह बारीक काट के डाल दिया इसमें। अब नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितना आपको नमक पसंद हो। हल्दी डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून, और क्योंकि मैंने साबुत मिर्ची डाली है इसलिए मैं इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा तेज़ पसंद करते हैं तो आप और तेज़ भी कर सकते हैं मिर्ची। बस इसमें आप पानी डालेंगे, मैंने इसमें 4 कप पानी डाला है इसको गलने के लिए। और बस इसको अच्छे से चलाएंगे और इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे जो है पकने के लिए हम ढक के छोड़ देंगे, जब तक कि हमारी दाल गल नहीं जाती। इसको गलने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो देखिए 15 से 20 मिनट हो गए और हमारी दाल जो है वो रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें दाल हमारी अच्छे से गल गई है और पालक भी पक गया है इसके अंदर ही। अब इसमें डालेंगे हम बघार, इसको अब साइड में रखते हैं। बघार के लिए हमें चाहिए लहसुन, 2 से 3 जवे लहसुन के। जीरा लेंगे हम 1 टीस्पून, और मैंने एक बड़ी सी प्याज लेके उसको बारीक चॉप कर लिया था, और हरी मिर्चें मैंने लिए 2। अब इसमें फ्राई पैन में हम घी लेंगे, घी मैंने इसमें लिया है 2 टीस्पून। अब इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ लहसुन। लहसुन को हल्का सा लाइट ब्राउन कलर लाएंगे पहले इसमें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। और प्याज के साथ इसको फ्राई करेंगे। और अब इसमें मैंने डाल दी है हरी मिर्चें। अब प्याज में हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आएगा तो हम इसको फिर दाल में शामिल करेंगे। ये देखें इसमें ब्राउन सा कलर आ गया है, तो अब हमने इसको दाल में डाल दिया। अब बस ये क्विक सी रेसिपी तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े की बनती है, चावलों के साथ तो इसको खाने में बहुत ही मज़ा आता है। आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पर। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।